वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? फिलामेंटस फॉर्म्स तक। ओके, सो फिलामेंटस फॉर्म्स में हमारे पास में क्या होता है, दैट सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज होके और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। ओके, देखिए, फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वह है हमारे पास में स्पाइरोगायरा तथा क्लेडोफोरा। ओके, नेक्स्ट, यदि हम इस फिलामेंटस फॉर्म में देखें तो देखिए हमारे पास में जो फिलामेंट्स है वह भी दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हमारे पास में है फिलामेंटस फॉर्म्स। ओके, सो इस फिलामेंटस फॉर्म्स में हमारे पास में फिलामेंट्स दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अनब्रांच फिलामेंट्स ओके, एंड नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास में फिलामेंट्स होते हैं वह हमारे पास में होते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ओके, देखिए, हमारे पास में जो अनब्रांच फिलामेंट्स होते हैं, इन अनब्रांच फिलामेंट्स में किसी भी टाइप की हमारे पास में ब्रांचिंग नहीं होती है। ओके, यदि हम अनब्रांच फिलामेंट्स की बात करें तो हमारे पास में ये अनब्रांच फिलामेंट्स फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से हमारे पास में अटैच हो सकते हैं, या फिर बाद में हमारे पास में कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो यदि हम फ्री फ्लोटिंग की बात करें, फर्स्ट हमारे पास में है फ्री फ्लोटिंग। ओके, तो फ्री फ्लोटिंग में हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वह है स्पाइरोगायरा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ओके, सो अटैच टू सबस्ट्रेटम में हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वह है यूलोथ्रिक्स, तथा थर्ड हमारे पास में है फॉर्म अ कॉलोनी। तो इसमें हमारे पास में है नॉस्टॉक। ओके, सो देखिए, हमारे पास में जो अनब्रांच फिलामेंट्स है उसमें फर्स्ट हमारे पास में है फ्री फ्लोटिंग। सो फ्री फ्लोटिंग में जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वह है हमारे पास में स्पाइरोगायरा। देन हमारे पास में है अटैच टू व्हाट सम सबस्ट्रेटम, सो इसमें हमारे पास में जैसे यूलोथ्रिक्स आ गया, उडोगोनियम आ गया, ETC। ओके, एंड थर्ड हमारे पास में है फॉर्म अ कॉलोनी, तो इसमें हमारे पास में है नॉस्टॉक। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास में है ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ओके, तो देखिए, ब्रांच्ड फिलामेंट्स में हमारे पास में ब्रांचिंग होगी, एंड ब्रांचिंग हमारे पास में एक्चुअली किसकी होगी, लेटरल आउटग्रोथ्स की। ओके, सो लेटरल आउटग्रोथ्स, इन लेटरल आउटग्रोथ्स हमारे पास में क्या करेगी, ब्रांचिंग करेगी। अब यह जो हमारे पास में ब्रांचिंग है, यह ब्रांचिंग में हमारे पास में दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो हमारे पास में ब्रांचिंग होती है वह हमारे पास में होती है ट्रू ब्रांचिंग। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास में ब्रांचिंग होती है वह हमारे पास में होती है फॉल्स ब्रांचिंग। ओके, सो यदि हम ट्रू ब्रांचिंग की बात करें तो देखिए, ट्रू ब्रांचिंग में तो हमारे पास में ओनली लेटरल आउटग्रोथ्स की ब्रांचिंग होगी, लेकिन हमारे पास में जो फॉल्स ब्रांचिंग होगी, तो फॉल्स ब्रांचिंग में हमारे पास में होगा क्या कि जैसे हमारे पास में ये एक ट्राइकोम है। ओके, एंड ये हमारे पास में ट्राइकोम छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ व्हाट, हेट्रोसिस्ट। ओके, एंड फिर बाद में क्या होगा कि वो जो हेट्रोसिस्ट वाला पॉइंट है
उस हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट पे से एक म्यूसिलेजिनस शीथ में से ब्रांचिंग क्या होगी, इमर्ज आउट होगी। सो दैट इज़ नॉन वॉट फॉल्स ब्रांचिंग, तथा ट्रू ब्रांचिंग हमेशा हमारे पास में किससे होगी, लेटरल आउटग्रोथ से, जबकि फॉल्स ब्रांचिंग हमारे पास में लेटरल आउटग्रोथ से नहीं होगी। ओके, सो हमारे पास में ट्रू ब्रांचिंग एंड फॉल्स ब्रांचिंग दो प्रकार की ब्रांचिंग है। ट्रू ब्रांचिंग हमारे पास में हमेशा लेटरल आउटग्रोथ से होगी, जबकि फॉल्स ब्रांचिंग में हमारे पास में जो ट्राइकॉम की इंटरकैरियरी सेल्स है उनकी डेथ हो जाएगी एंड पॉइंट ऑफ हेट्रोसिस से वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके, देन हमारे पास में ये जो ब्रोकन सेगमेंट्स है, ये ब्रोकन सेगमेंट्स म्यूसिलेजिनस सीथ से इमर्ज आउट होंगे, दैट इज़ नॉन वॉट एज फॉल्स ब्रांचिंग। ओके, यदि हम फॉल्स ब्रांचिंग की बात करें तो हमारे पास में फॉल्स ब्रांचिंग साइटोनिमा में प्रेजेंट होगी। ओके, सो फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट इन साइटोनिमा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है ट्यू ब्रांचिंग। ओके, तो ट्यू ब्रांचिंग में भी हमारे पास में फर्दर टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हमारे पास में है सिंपल फिलामेंट्स। ओके, सो हमारे पास में फर्स्ट है ट्रू ब्रांचिंग। ओके, सो फर्स्ट वन इज ट्रू ब्रांचिंग। तो ट्रू ब्रांचिंग में हमारे पास में फर्स्ट जो है वह है हमारे पास में सिंपल फिलामेंट। ओके, यदि हम सिंपल फिलामेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये जो फिलामेंट है यह बेसल सेल के थ्रू सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ओके, दैट मींस बेसल सेल का हमारे पास में यहाँ पे क्या वर्क है, दैट बेसल सेल के थ्रू हमारे पास में ये फिलामेंट सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ओके, एंड देन आफ्टर हमारे पास में जो बेसल सेल के अलावा अदर सेल्स हैं, उन अदर सेल्स का हमारे पास में यह वर्क होगा कि वो सेल्स हमारे पास में ब्रांचिंग में हेल्प करेगी। ओके, सो ब्रांचेस अराइज from other cells except basal cell। okay, तथा basal cell का हमारे पास में क्या work होगा, involving attachment to अ सबस्ट्रेटम। ओके, सो बेसल सेल का हमारे पास में मेन फंक्शन यह होगा कि बेसल सेल हमारे पास में जो फिलामेंट है उसको पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से अटैच करेगी, तथा ब्रांचिंग का हमारे पास में अराइज किसके माध्यम से होगा, ब्रांचेज हमारे पास में बेसल सेल के अलावा फिलामेंट में प्रेजेंट जो अपर सेल्स है वो हमारे पास में किस में यूज होगी, ब्रांचिंग में। ओके, ठीक है, तो यदि हम इस सिंपल फिलामेंटस फॉर्म्स का एग्जांपल देखें तो देखिए ये हमारे पास में प्रेजेंट होगी क्लेडोफोरा में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो ट्रू ब्रांचिंग में फॉर्म है वह हमारे पास में है हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म। हेटेरो ट्राइकोहस फॉर्म, देखिए हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म में हमारे पास में जो फिलामेंट है या हमारे पास में जो थैलस है वह प्रोस्टेट तथा इरेक्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड होगा। कुछ ऐसी फॉर्म्स होगी जिनमें हमारे पास में वेल डिफ्रेंशिएटेड प्रोस्टेट तथा इरेक्ट सिस्टम होंगे, कुछ फॉर्म्स में हमारे पास में इरेक्ट सिस्टम एलिमिनेटेड होगा एंड कुछ फॉर्म में हमारे पास में प्रोस्टेट सिस्टम एलिमिनेट होगा। ओके, सो वेल डिफरेंशिएटेड इन प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम।
यदि हम दोनों सिस्टम की बात करें कि ये दोनों सिस्टम हमारे पास में इवॉल्व होते हैं, दोनों सिस्टम अच्छी तरीके से हमारे पास में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो उसका एग्जांपल है हमारे पास में एक्टोकार्पस. ओके, सो प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट सिस्टम, ये दोनों हमारे पास में प्रेजेंट होंगे एक्टोकार्पस में. एक्टोकार्पस. ओके, यदि नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में यदि यहाँ पे प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस सिस्टम होगा तो वह हमारे पास में होगा कॉलियोकिक में. ओके, एंड यदि हमारे पास में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ इरेक्ट सिस्टम होगा तो वह हमारे पास में होगा कॉलियोकिक में, तथा यदि हमारे पास में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस सिस्टम होगा तो वह हमारे पास में होगा ड्रेपैनल डिओप्सिस में. ओके, सो नेक्स्ट हम बोले प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ इरेक्ट सिस्टम, तो यह हमारे पास में होगा कॉलियोकिक में. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हम बोले दैट प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस सिस्टम, तो वह हमारे पास में होगा ड्रेपैनल डिओप्सिस में. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम, तो यह हमारे पास में होगा ड्रेपैनल डिओप्सिस. ओके, सो इस प्रकार से हमारे पास में कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, हेटेरोट्राइकोहस फॉर्म, जिसमें हमारे पास में बोथ प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट होंगे, एंड ये दोनों हमारे पास में आइदर वेल डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं या फिर बाद में किसी एक सिस्टम का हमारे पास में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन हो सकता है. ओके, यदि हम फर्स्ट देखें तो हमारे पास में प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट सिस्टम वेल डिफ्रेंशिएटेड प्रेजेंट होंगे एक्टोकार्पस में, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन हमारे पास में इरेक्ट सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा, कॉलियोकिट में. दैट मीन्स कॉलियोकिट में हमारे पास में प्रोस्टेट सिस्टम ज़्यादा तरीके से हमारे पास में इवॉल्व होगा. ओके, एंड यदि हमारे पास में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन प्रोस्टेट सिस्टम होगा तो वह हमारे पास में होगा ड्रेपैनल डिओप्सिस. दैट मीन्स ड्रेपैनल डिओप्सिस में हमारे पास में इरेक्ट सिस्टम अच्छी तरीके से इवॉल्व होगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो ट्यूब ब्रांचिंग वाली फॉर्म है वह हमारे पास में है सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म. ओके, सो थर्ड हमारे पास में है सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म. सो द नेक्स्ट वन इज सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म. ओके, तो देखिए हमारे पास में जो सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म होगी, तो सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म में हमारे पास में वन और मोर सेंट्रल तथा एक्सियल हमारे पास में फिलामेंट्स विथ देयर ब्रांचेस मिलके हमारे पास में सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, सो व्हाट ट्रिगर इन सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म, इसमें हमारे पास में वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट्स विद देयर ब्रांचेस टुगेदर फॉर्म व्हाट सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म. ओके, यदि हमारे पास में सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म्स के एग्जांपल देखें तो देखिए सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म हमारे पास में प्रेजेंट होगी बैट्रिकोस्पर्मम में. ओके, सो व्हाट ट्रिगर इन सुडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म, तो देखिए इसमें वन और मोर सेंट्रल एंड एक्सियल फिलामेंट्स टुगेदर विथ देयर ब्रांचिंग
टुगेदर विथ देयर ब्रांचिंग और ब्रांचेस फॉर्म अ सूडो पैरेन्काइमेटस. सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म. ओके, एंड ये सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म हमारे पास में किसके अंदर प्रेजेंट होगी? बैट्रिकोस्पर्मम में. बैट्रिकोस्पर्मम. ओके, सो देखिए हमारे पास में जो ब्रांचिंग है एंड फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंट्स हमारे पास में दो प्रकार के प्रेजेंट होंगे. हमारे पास में फर्स्ट होगा अनब्रांच्ड फिलामेंट एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास में ब्रांच्ड फिलामेंट. यदि हम अनब्रांच्ड फिलामेंट की बात करें तो या तो अनब्रांच्ड फिलामेंट हमारे पास में फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे पास में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकते हैं या फिर बाद में कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे तो नोस्टॉक, ओके. किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे तो यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम, ओके. एंड अगर ये फ्री फ्लोटिंग होंगे तो हमारे पास में क्या होंगे? वॉलवॉक्स. ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो ब्रांचिंग है वह ब्रांचिंग हमारे पास में दो प्रकार की होगी. द फर्स्ट वन इज़ वॉट? फॉल्स ब्रांचिंग. एंड द अदर वन इज़ वॉट? ट्रू ब्रांचिंग. यदि हम ट्रू ब्रांचिंग की बात करें तो हमारे पास में जो ब्रांचिंग है वो ऑफकोर्स किससे होगी? लेटरल आउटग्रोथ से, क्योंकि हमारे पास में ब्रांचिंग होती ही किससे है? लेटरल आउटग्रोथ से. ओके, तथा यदि अगर हम फॉल्स ब्रांचिंग की बात करें तो देखिए फॉल्स ब्रांचिंग में हमारे पास में क्या होगा? दैट फॉल्स ब्रांचिंग में हमारे पास में ट्राइक्रोम छोटे छोटे स्मॉलर सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा. ओके, एंड वो हमारे पास में जो ब्रिकेज होगा वो हमारे पास में होगा हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से, तथा ये जो हमारे पास में सेगमेंट्स है ये म्यूसिलेजिनस शीथ से इमर्ज आउट होंगे. सो दैट इज़ नॉन व्हाट एज फॉल्स ब्रांचिंग. फॉल्स ब्रांचिंग में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, दैट फॉल्स ब्रांचिंग कभी भी लेटरल आउटग्रोथ से नहीं होगी, जबकि ट्रू ब्रांचिंग हमारे पास में ओनली लेटरल आउटग्रोथ से ही होगी. ओके, द अदर थिंग इज़ यदि हम ट्रू ब्रांचिंग की बात करें तो देखिए ट्रू ब्रांचिंग हमारे पास में थ्री टाइप से होती है. द फर्स्ट वन इज़ सिंपल फिलामेंटस फॉर्म. तो सिंपल फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास में थैलस एक बेसल सेल के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, तथा ब्रांचिंग जो हमारे पास में होती है वह बेसल सेल के अलावा जो अदर सेल है उनसे होती है. ओके, यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास में है अ पर्टिकुलर एग्जांपल क्लेडोफोरा. ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास में जो ब्रांचिंग है वह है हमारे पास में हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म. तो देखिए हमारे पास में हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म में वेल डिफ्रेंशिएटेड प्रोस्टेट तथा इरेक्ट सिस्टम पाए जाते हैं. कुछ स्पीसीज़ में हमारे पास में प्रोस्टेट सिस्टम एलिमिनेट होगा, कुछ में इरेक्ट सिस्टम, तथा कुछ हमारे पास में ऐसे मेंबर्स होंगे जहाँ पे बोथ प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट सिस्टम दोनों ही हमारे पास में किस प्रकार के होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे. ओके, यदि हम एक्टोकार्पस की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट दोनों सिस्टम वेल डेवलप्ड होंगे. यदि हम प्रोस्टेट सिस्टम का प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन देखें तो वह हमारे पास में पाया जाएगा रेपेनाइल डायोप्सिस में, तथा यदि हम इरेक्ट सिस्टम का प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन देखें तो वह हमारे पास में प्रेजेंट होगा कोल्यूकेट में. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्म है वह है हमारे पास में सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म. तो देखिए हमारे पास में जो सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म प्रेजेंट होगी तो इसमें हमारे पास में थैलस का वन और मोर सेंट्रल तथा एक्सियल जो हमारे पास में फिलामेंट्स है, ये फिलामेंट्स और इनकी क्या ब्रांचेस दोनों टुगेदर हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेंगे? सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म. एंड सूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म हमारे पास में प्रेजेंट होगी बैट्रिकोस्पर्मम में. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में हमने कौन सी फॉर्म्स पढ़ी थी? यूनिसेलुलर फॉर्म्स. यूनिसेलुलर फॉर्म्स में भी हमारे पास में कौन कौन सी थी? मोटाइल एंड वॉट? नॉन मोटाइल फॉर्म्स. ओके, इसके अलावा भी हमारे पास में यूनिसेलुलर फॉर्म्स में बहुत सारी फॉर्म्स आती है. लेट्स स्टडी. सो हमने फिलामेंटस फॉर्म पढ़ ली है, और फिलामेंटस फॉर्म ने हमने ब्रांच फिलामेंट, अनब्रांच फिलामेंट, ट्रू ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग, इन सब की स्टडी की है. नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स. ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर फॉर्म्स. यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर फॉर्म्स. ओके, तो देखिए इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स में फर्स्ट हमारे पास में है राइजोपोडियल
यूनिसेल्स। ओके, सो ये जो हमारे पास में राइजोपोडियल यूनिसेल्स है, इनमें हमारे पास में सेल वॉल अब्सेंट रहेगी तथा हमारे पास में इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, जिनके माध्यम से इन सेल्स में हमारे पास में मूवमेंट हो सकेगी। ओके, एंड यदि हमारे पास में रिजिड सेल वॉल अब्सेंट होगी तो इन फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिप्लास्टिक। ओके, यदि हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास में है राइजोक्राइसिस। ठीक है, सो यदि हम राइजोपोडियल यूनिसेल्स की बात करें तो लैक अ रिजिड सेल वॉल ओके देन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। ओके, तथा यदि हमारे पास में थैलस में ये जो रिजिड सेल वॉल अब्सेंट होगी तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरिप्लास्टिक। ओके, सो एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पेरिप्लास्टिक। ओके, यदि हम इस राइजोपोडियल यूनिसेल्स का एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमारे पास में है राइजोक्राइसिस। हमारे पास में जो मेंबर है वह है क्राइसोफाइसिका। ओके, एंड यदि हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास में है राइजोक्लोरिस। तथा राइजोक्लोरिस हमारे पास में जो मेंबर है वह है क्लोरोफाइसिका। ओके, सो दीज आर व्हाट राइजोपोडियल यूनिसेल्स, जिनमें हमारे पास में रिजिड सेल वॉल अब्सेंट होगी तथा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे फॉर व्हाट, लोकोमोशन। ओके, यदि हमारे पास में थैलस में रिजिड सेल वॉल अब्सेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरिप्लास्टिक कंडीशन। ओके, द अदर थिंग इज, यदि हम इस राइजोपोडियल फॉर्म्स में एग्जांपल देखें तो फर्स्ट हमारे पास में है राइजोक्राइसिस। हमारे पास में मेंबर है क्राइसोफाइसिका, एंड नेक्स्ट हमारे पास में है राइजोक्लोरिस, जो हमारे पास में मेंबर है क्लोरोफाइसिका। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास में है वह हमारे पास में है फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स। अब देखिए, यदि हमारे पास में फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स, जैसे कि नाम से इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स इन फॉर्म्स में हमारे पास में फ्लैजेला अब्सेंट होंगे। ओके, अब इन फ्लैजेला का नंबर भी हमारे पास में पर्टिकुलर मेंबर और पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से वेरी करेगा। ओके, ये हमारे पास में इक्वल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अनइक्वल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो ये फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स है वह तीन क्लासेस में हमारे पास में अब्सेंट होगी, दैट आर व्हाट, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड व्हाट, साइनोफाइसी। ओके, सो फियोफाइसी, सेकेंड हमारे पास में है साइनोफाइसी, तथा थर्ड हमारे पास में है रोडोफाइसी। इन क्लासेस के मेंबर्स में हमारे पास में जनरली फ्लैजेला अब्सेंट होंगे। सो इन थ्री क्लासेस फ्लैजेला हमारे पास में एब्सेंट होंगे। ओके, इसके अलावा हमारे पास में पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर फ्लैजेला का नंबर भी वेरी करेगा। ओके, यदि हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे टू इक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ओके, डाइनोफाइसी तथा जेंथोफाइसी की बात करें तो हमारे पास में अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ओके, सो देखिए, क्लोरोफाइसी के हमारे पास में जूस स्पोर्स एंड गैमेट्स हैव टू
इक्वल फ्लैजेला। ओके, क्लोरोफाइसी के अलावा यदि हम डाइनोफाइसी तथा जेंथोफाइसी की बात करें, सो इन डाइनोफाइसी प्लस जेंथोफाइसी, तो देखिए डाइनोफाइसी तथा जेंथोफाइसी में हमारे पास में टू अनइक्वल फ्लैजेला आर प्रेजेंट। ओके, थर्ड हमारे पास में है वह है यूग्लिनोफाइसी। ओके, सो थर्ड इज यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी, तो देखिए यूग्लिनोफाइसी में हमारे पास में ओनली वन फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। ओके, सो वन फ्लैजेलम इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि ये जो फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स है ये हमारे पास में पेरिप्लास्टिक भी हो सकती है, तथा पेरिप्लास्टिक का हमारे पास में एग्जांपल है यूग्लिना, तथा इनमें हमारे पास में डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है जिसका हमारे पास में एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। ओके, सो फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्स ये हमारे पास में दो प्रकार की हो सकती है। सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो है वह है पेरिप्लास्टिक। सो पेरिप्लास्टिक दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पे रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होगी। सो ये हमारे पास में प्रेजेंट होगी यूग्लिना में, यूग्लिना। तथा यदि हम बात करें विथ अ रिजिड सेल वॉल, तो यह हमारे पास में प्रेजेंट होगी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ओके, सो यदि हम नेक्स्ट टाइप की यूनिसेल्स देखें तो वह हमारे पास में है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। ओके, तो इस प्रकार की जो यूनिसेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होगी वह हमारे पास में प्रेजेंट होगी स्पाइरुलिना में, जिसमें हमारे पास में कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। ओके, सो थर्ड वन इज थर्ड हमारे पास में है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। ओके, तो देखिए ये जो हमारे पास में स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स है ये प्रेजेंट होगी हमारे पास में स्पाइरुलिना में। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास में जो मेंबर्स प्रेजेंट है इनमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ओके, सो कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ओके, यदि हम स्पाइरुलिना का डायग्राम देखें तो देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आता है। ओके, ये हमारे पास में है स्पाइरुलिना। ओके, स्पाइरुलिना में हमारे पास में ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है वह प्रेजेंट है पोलर नोड्यूल, तथा सेंट्रल में हमारे पास में प्रेजेंट है सेंट्रल नोड्यूल, तथा ये पोलर नोड्यूल तथा सेंट्रल नोड्यूल जिस एक्सिस पे प्रेजेंट है वह हमारे पास में है रेफे। ओके, सो यह हमारे पास में प्रेजेंट है पोलर नोड्यूल ओके, सेंट्रल में हमारे पास में प्रेजेंट है सेंट्रल नोड्यूल। ओके, तथा सबसे लास्ट साइड में हमारे पास में जो नोड्यूल प्रेजेंट है वह भी कौन सी है पोलर नोड्यूल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में दो तो पोलर नोड्यूल या नोड्स प्रेजेंट है एंड एक हमारे पास में क्या प्रेजेंट है सेंट्रल नोड्यूल, तथा ये नोड्यूल्स हमारे पास में जिस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है जिस सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे रेफे।
सो दिस इज कॉल्ड व्हाट एज रेफे. ठीक है. सो यह है हमारे पास में कौन से प्रकार की फॉर्म है, स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म, जिसमें हमारे पास में कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और यदि हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास में है स्पाइरुलिना. इसके बाद में हमारे पास में प्रेजेंट है नॉन मोटाइल यूनिसेल्स. अब देखिए, यदि हमारे पास में नॉन मोटाइल यूनिसेल्स प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स नॉन मोटाइल यूनिसेल्स में हमारे पास में ना तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और ना ही हमारे पास में आई स्पोर्ट प्रेजेंट होगा. देखिए, आई स्पोर्ट एंड फ्लैजेला दोनों का संबंध हमारे पास में एक्चुअली लोकोमोशन से है. आई स्पोर्ट हमारे पास में कुछ मेंबर्स में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो सकता है, एंड उसका एसोसिएशन हमारे पास में फ्लैजेला के साथ में हो भी सकता है तथा फ्लैजेला के साथ में नहीं भी हो सकता है. यदि हम सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास में सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स प्रेजेंट होगी साइनोफाइसी में, बट साइनोफाइसी के मेंबर्स में हमारे पास में न्यूक्लियस प्लस प्लास्टिड अब्सेंट होगा. एंड यदि हम नॉन मोटाइल यूनिसेल्स ऑफ क्लोरोफाइसी की बात करें तो उनमें हमारे पास में प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास में है नॉन मोटाइल यूनिसेल्स. द फोर्थ इज नॉन मोटाइल यूनिसेल्स. सो यदि हम नॉन मोटाइल यूनिसेल्स की बात करें तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पे फ्लैजेला प्लस आई स्पोर्ट ये दोनों हमारे पास में होंगे एब्सेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो वह हमारे पास में प्रेजेंट होगी साइनोफाइसी में. सो अदर इज सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म. तो सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म हमारे पास में प्रेजेंट होगी साइनोफाइसी में. सो द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम क्लोरोफाइसी के नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो देखिए, क्लोरोफाइसी के नॉन मोटाइल फॉर्म्स में हमारे पास में प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होंगे, जबकि साइनोफाइसी में हमारे पास में प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस अब्सेंट होगा. सो इन साइनोफाइसी प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस ये हमारे पास में एब्सेंट होगा, जबकि हमारे पास में क्लोरोफाइसी में प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस यह हमारे पास में प्रेजेंट होगा. सो यदि हम नॉन मोटाइल फॉर्म्स नॉन मोटाइल यूनिसेल्स की बात करें तो देखिए, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स में हमारे पास में फ्लैजेला प्लस आई स्पोर्ट दोनों अब्सेंट होंगे, बिकॉज दोनों ही स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारे पास में किससे रिलेटेड है, लोकोमोशन से. द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स की बात करें तो देखिए, सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स हमारे पास में प्रेजेंट होगी साइनोफाइसी में, तथा साइनोफाइसी में हमारे पास में प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, तथा यदि हम क्लोरोफाइसी में बात करें तो प्लास्टिड प्लस न्यूक्लियस दोनों हमारे पास में प्रेजेंट होंगे. अदर फॉर्म्स भी हम देख लेते हैं. सो देखिए, हेट्रोट्राइकोहस फॉर्म हमने पहले भी बता दिया है, दैट हेट्रोट्राइकोहस जो हमारे पास में फॉर्म होगी उसमें प्रोस्टेट प्लस इरेक्ट सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे. द अदर थिंग इज साइफोनियस फॉर्म्स. तो देखिए, साइफोनियस फॉर्म्स जो हमारे पास में होगी उसमें हमारे पास में थैलस इलोंगेटेड होगा. एंड इसमें हमारे पास में किसी भी प्रकार का सेप्टेशन नहीं होगा. अगर सेप्टेशन हमारे पास में नहीं होगा तो हमारे पास में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होगी. या इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास में प्रेजेंट होगी वाउच एरिया में. सो नेक्स्ट वन इज साइफोनेशियस. साइफोनियस फॉर्म. सो देखिए, इस प्रकार के फॉर्म में हमारे पास में क्या होगा, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट. किसी भी प्रकार का सेप्टेशन नहीं होगा. सो सेप्टेशन एब्सेंट. अगर हमारे पास में थैलस में सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा
तो ऑफ कोर्स एक ही सेल में हमारे पास में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, सो द कंडीशन विल बी मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज प्रेजेंट। ओके, तथा यदि हम साइफोनस फॉर्म की बात करें तो यह हमारे पास में प्रेजेंट होगी वाउच एरिया में। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो हमारे पास में है पेरेन्काइमेटस फॉर्म। तो देखिए, पेरेन्काइमेटस फॉर्म में हमारे पास में सेल डिवीजन एंड एसोसिएटेड सेप्टेशन लीड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए पेरेन्काइमेटस बॉडी। ये हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कारा में। ओके, सो पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स में हमारे पास में क्या होगा, दैट सेल डिवीजन के प्रोडक्ट्स और सेप्टेशन के प्रोडक्ट्स सभी मिलके हमारे पास में एक कॉम्पैक्ट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पेरेन्काइमेटस फॉर्म। तथा पेरेन्काइमेटस फॉर्म हमारे पास में प्रेजेंट होगी कारा में। ओके, द अदर थिंग इज, अब हमारे पास में है एल्गी का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, हमारे पास में एल्गी को अकॉर्डिंग टू व्हाट, फ्लैजेला एंड आई स्पोर्ट, सेल स्ट्रक्चर, इन सभी के आधार पे हमारे पास में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, 11 क्लासेस में हमारे पास में डिवाइड किया गया है। सो एल्गी का क्लासिफिकेशन हम फर्दर अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट, यदि हम एल्गी के जनरल इंट्रोडक्शन, ये जो हमारे पास में क्लास चल रही है ये एक्चुअली जनरल इंट्रोडक्शन की चल रही है, जिसमें हम एल्गी का सभी प्रकार का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर हम सभी जो टॉपिक्स हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ओके, सो यदि हम एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, हमारे पास में एल्गी में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एल्गल रिप्रोडक्शन। सो देखिए, हमारे पास में रिप्रोडक्शन के एल्गी में 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तथा थर्ड हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये जो हमारे पास में सभी प्रकार के रिप्रोडक्शन है, इनके अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टाइप है। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, जिसमें हमारे पास में एक फिलामेंट छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में ट्यूबर्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, हॉर्मोगोनिया वगैरह सभी हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। ओके, द अदर थिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में एल्गी में कुछ टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, दैट आर व्हाट, फर्स्ट हमारे पास में है जू स्पोर्स, द नेक्स्ट वन इज एप्लेनो स्पोर्स। ओके, थर्ड हमारे पास में जो है वह हमारे पास में है क्लेमाइडो स्पोर्स, क्लेमाइडो स्पोर्स। फोर्थ हमारे पास में है टेट्रा स्पोर्स। ओके, दीज आर व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप से प्रेजेंट होगा। द फर्स्ट वन इज आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड व्हाट, ऊगैमी। यहाँ पे भी हमारे पास में जो ऊगैमस रिप्रोडक्शन है वह सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारे पास में है इम्पोर्टेंस। तो देखिए, एल्गी के हमारे पास में वेरियस इम्पोर्टेंस है, अदर अदर मेंबर्स के जो हमारे पास में इम्पोर्टेंस है वह भी हमारे पास में अलग अलग है। ओके, एक हमारे पास में छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एल्गल ब्लूम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, तो देखिए, एल्गल ब्लूम का मीन्स हमारे पास में क्या है,
कि इसमें हमारे पास में कुछ माइक्रो एल्गी की जो ग्रोथ है वह एडवांस लेवल पे हो जाएगी, एंड उनकी ग्रोथ हमारे पास में एडवांस लेवल पे होने से जो पूरा जो हमारे पास में एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके ऊपर हमारे पास में एल्गी की एक लेयर सी जम जाएगी, ओके। एंड वो जो हमारे पास में एल्गल सेल्स है, यह एल्गल सेल्स हमारे पास में टॉक्सिन सिक्रेट करेगी, ओके। एंड ये जो हमारे पास में टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स अदर हमारे पास में जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनकी डेथ का क्या बन जाएंगे रीज़न। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज एल्गल ब्लूम। सो एल्गल ब्लूम एक्चुअली हमारे पास में क्या है, एक इविल है, बुराई है हमारे पास में, कि एल्गी की हमारे पास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण ये जो एल्गी है वह क्या सिक्रीट करती है, टॉक्सिन, तथा टॉक्सिन सिक्रीट होने से एक्वेटिक प्लांट्स तथा एनिमल्स को क्या होता है, हार्म होता है। इसके अलावा एल्गी की हमारे पास में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, दैट एल्गी हमारे पास में एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए हुए रखती है। लाइकेन, लाइकेन में हमारे पास में जो होते हैं वह हमारे पास में प्रदूषण, पॉल्यूशन के क्या है, इंडिकेटर है, ओके। सो हमारे पास में एल्गी की कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ क्या है, डिसएडवांटेज भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो ये हमारे पास में एल्गल फॉर्म्स है इनको फर्दर कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।